हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकी स्पॉट एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये आपकी फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चों और बड़ों सभी को बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आइए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। फ्रेंड्स, आज हम ये मैंगो मस्तानी बनाने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंगो की तो हर डिश अच्छी लगती है, चाहे आइसक्रीम हो या मैंगो की बर्फ़ी हो। मैंगो की बर्फ़ी भी मैं अपने रेसिपी चैनल पे बना चुकी हूँ और मैंगो की आइसक्रीम भी। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज मैं मैंगो मस्तानी बनाने वाली हूँ। बहुत ही फेमस डिश है मैंगो की, एक नई वैरायटी में एक स्पेशल डिलीशियस डिश जो कि पूना में बहुत फेमस होती है, इसलिए मैंगो मस्तानी पूना की फेमस डिश मानी जाती है। लेकिन आजकल सभी शहरों में बहुत ही फेमस है। मैंगो शेक विद आइसक्रीम भी कुछ लोग पसंद करते हैं। ये मैंगो मस्तानी है, ये बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद होती है। आइए देखते हैं मैंगो मस्तानी बनाने की रेसिपी। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए हमने ये आधा ग्लास दूध लिया है। दो मैंगोज़ के हमने बड़े बड़े पीसेस किए हैं क्योंकि इनका भी हम पेस्ट बनाएंगे, और ये छोटे छोटे से पीसेस काट के रखे हैं ऊपर से डालने के लिए। थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े बादाम लिए हैं 4 से 6, और ये टॉपिंग के लिए लिया है हमने, ऊपर से सजाएंगे चेरी। ये टूटी फ्रूटी ली है थोड़ी सी। 2 चम्मच शक्कर ली है। शक्कर आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ये आम मीठे हैं तो इनमें कम शुगर की ज़रूरत है, इसलिए हमने 2 चम्मच लिया है। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने सिरप लिया है, आप चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं। ये हमने गुलाब का शरबत लिया है, रोज़ सिरप। हम मिक्सर के जार में ये जो हमने बड़े पीसेस मैंगो कट किए हैं, मैंगो का पल्प डाल देंगे और इसे हमें मैंगो शेक की तरह पतला नहीं करना, गाढ़ा करना है, जैसे मैंगो स्मूथी बनाते हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच शक्कर डाल दी है, ये हमने आधा कप दूध डाल दिया। इसे हम मिक्सर में बारीक करेंगे। ये देखिए मैंगो स्मूथी तैयार हो गई है। अब इसे हम 2 ग्लास में सर्व करेंगे। सबसे पहले मैंगो के पीसेस डालेंगे, थोड़े पीसेस हम ऊपर से डालेंगे इसलिए थोड़े पीसेस बचा ले रहे हैं, और हमें स्मूदी डालनी है तो बचाना है, ऊपर से थोड़ा खाली रखना है ग्लास, क्योंकि अभी हमें इसमें आइसक्रीम भी डालनी है। इस तरह आधा ग्लास में मैंगो जूस डाल दिया हमने। ग्लास में डालने के बाद थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे ऊपर से, थोड़े काजू, काजू बादाम नट्स आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से बादाम के पीसेस डाल देंगे। अब इसमें हम आइसक्रीम डालेंगे, हमने वनीला आइसक्रीम ली है, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मैंगो, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, जो भी फ्लेवर आप पसंद करते हैं
या आपके पास जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम है आप उसे यूज़ करेंगे। हमने वनीला आइसक्रीम लिया है और उसके आइस क्यूब्स डालने हैं हमें। इस तरह दोनों ग्लासेस में हमको वनीला आइस क्यूब्स डालने हैं। आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है मस्तानी में मैंगो शेक के साथ में। इस तरह से हमने वनीला आइसक्रीम डाल दी, ऊपर से फिर से थोड़े से मैंगो के पीसेस डाल देंगे। थोड़े से टूटी फ्रूटी, ऊपर से थोड़े से बादाम काजू, इस तरह से। और ये अब हम लास्ट में शुगर सिरप डालेंगे। ये हमने रोज़ सिरप डाला है, आप चॉकलेट सिरप या रोज़ सिरप कोई भी डाल सकते हैं। और चेरी से इस तरीके से टॉपिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी मैंगो मस्तानी रेडी हो गई है। या आप बच्चों के बर्थडे पे या अपनी किटी पार्टी पे बना सकते हैं, जब आपका दिल करे तब आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और पीने में बहुत ही टेस्टी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको मस्तानी कैसी लगी ज़रूर बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।